सारे भाइयों ने बहुत बहुत अमर सिंह नायक को थाने राम राम। आज गांव एके सार में जो समिति ने आयोजन करवाया है उनको और उनकी पूरी टीम को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। साथियों, किसी मुहिम में कोई व्यक्ति लग जाए और उसमें कुछ सहयोग जुड़ा हो इस तरह से कि वो अपने आप को निछावर कर दे तो रिजल्ट लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आता है। बहुत से लोग मुझे यहाँ आज पहली बार सुन रहे हैं, आपको वो बातें सुनने को मिलेंगी। हमारे बीच कुछ मीडिया के कर्मी और यूट्यूब चैनल वाले और बहुत से कॉमेडियन लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोई भी बात यहाँ मंच के माध्यम से कह देनी और उसको पूरा करना दिन रात का अंतर होता है। मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो आपको जमीन पर उतार के मैंने दिखाई है, वो आपको बातें बताऊंगा यहाँ से। साथियों, 1985 में एक सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था, जिसको कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस टाइम सरकार के कानून ऐसे थे कि कोई किसी को उठाए वो ही फंस जाता था, लेकिन मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी, मैंने उसको उठाया और सिरसा हरियाणा लेकर गया और पहली बार उसको ब्लड डोनेशन किया 1985 में। तालियों में कुछ दूसरी नगर और इनके विचार अच्छे से सुने आप पहले। और 1985 में पहली बार रक्तदान करके मैंने इसकी मुहिम के साथ साथ रक्तदान कैंपों का जब मैंने आयोजन करना शुरू किया तो अपनी तरफ से किसी की जेब की तरफ ना देख करके जैसे आज इस संस्था की तरफ से ये कैंप का आयोजन कराया है, 419 रक्तदान कैंप मैं खुद के खर्चे पे आयोजन कर चुका हूँ। और इसके लिए मैंने खुद की 3 बीघा जमीन भी बेच के लगा दी। 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। सभी मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं, इस बात को ध्यान दें। 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। मैंने कार्ड में लिखा कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले रक्त दान करेगा, अन्यथा मेरे घर ना आए। इसके बावजूद 114 बरातियों ने रक्त दान किया, फिर बेटे की बारात चढ़ाई। आज तक ऐसा भारत नहीं, अभी तक पूरे विश्व में नहीं हुआ। तालियों में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, एक बार जोर से तालियां बजा के दिखाओ सारे। 5 अगस्त 2011 को मेरी माता जी का देहांत हुआ तो मैंने रस्म पगड़ी वाले दिन रक्तदान का कैंप रखा कि मेरा परिजन वही है जो आज यहाँ रक्तदान करेगा। आज से 18 साल पहले मेरे बड़े भाई की गुड़िया थी एक्सपायर हो गई, मैंने टीम को फोन किया और उसकी आंखें दान की। मुझे पता चला कि किसी अंधे व्यक्ति को एक आंख देते हैं और 18 सालों से उस बच्ची की दोनों आंखें देख रही हैं, मात्र 14 साल की बच्ची थी वो। और मैंने आपको बताया कि 419 जो कैंप लगाए उसमें कोई छोटा शिविर मात्र छोटे से छोटा कोई कैंप है वो है 30 यूनिट का, और बड़े से बड़ा कैंप एक कैंप मेरा 1050 यूनिट का भी है। और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए पूरे भारत में मैं अब से पहले 15,000 किलोमीटर साइकिल की यात्रा भी कर चुका हूं। मैं अभी दिल्ली साइकिल पे जाके आया हूं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिड़ला मुझे 2 बार मेडिकल कॉलेज कोटा में बुला चुके हैं। लोकसभा सांसद निहालचंद जी मुझे बुला चुके हैं। अर्जुन जी मेघवाल से मैं बीकानेर साइकिल पे सम्मानित होकर आया हूँ। और हमारे देवी सिंह जी भाटी, सब जानते हैं उनके बारे में, मैं उनको 2 बार ब्लड से तोल चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति कहां से निकल के कहां तक पहुंच जाए उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े कॉलेजों में मेरा संबोधन है और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मुझे स्कूल जाने का सौभाग्य नहीं मिला, मैं अनपढ़ भी हूं। मैं माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा से सम्मानित हूँ, उनकी पत्नी आशा हुड्डा से सम्मानित हूँ, हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पाड़िया से सम्मानित हूँ और अभी मुझे आसाम
आसाम में सम्मानित किया गया और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश गंटूर जिला में मुझे बाईर लेके गए थे, वहां भी मुझे सम्मानित किया गया। और जितने भी युवा साथी सुन रहे हैं, गूगल पर सर्च करें, ये ब्लड मैन ऑफ इंडिया लिख रखा है ना, लिख नहीं रखा, गूगल पर रिसर्च करें ब्लड मैन ऑफ इंडिया, इस शख्स की आईडी खुलेगी पूरे विश्व में सबसे पहले। ये मुझे गर्व है कि मैंने छोटी सी मुहिम शुरू की और इस मंजिल को यहां तक मैंने पहुंचा दिया। जब आपको गूगल इनके बारे में खुद बता रहा है, जो कि कैलिफोर्निया का है, भारत का नहीं है गूगल, जो वो खुद आइडेंटिफिकेशन अमर सिंह जी नायक की कर रहा है ब्लड मैन ऑफ इंडिया की, तो इससे बड़ा सर्च इंजन दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। रक्तदान के क्षेत्र में मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मान लिया। जो आज पढ़े लिखे युवा हैं वो भली भांति जानते हैं कि किसी चीज के 100% कोई फायदे होते हैं, 99 फायदे खुद के ब्लड डोनेशन करने वाले व्यक्ति के हैं, एक फायदा ये है कि हम किसी की जिंदगी बचा पाए। मेरी 55 साल की उम्र होगी, थारा सामना हूँ, अभी को धर्म है कोई युवा को तकड़ो लगे मेरे साथ बाज के पिता लियो भी। किसी भी क्षेत्र में कमजोर या नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है। हरियाणा में गांव है मिठनपुरा, वहां कुलडाराम सारण की 5वें हिस्से पे खेती लेके जमीन बाकी टाइम पास करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो रक्तदान के क्षेत्र में जो भी युवा किसी तरह की कोई भी सवाल या कोई झिझक पैदा कर सुनता हो, जब भी मैंने रक्तदान तो करना था, मुझे डर लगता है, हमारे बीच एक मातृ शक्ति बैठी है, आगे इस तरह का आयोजन हो तो मैं आप मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे भारत की एक नारी भी है, बिमला जी कसवां वो नारी है जो भारत में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन करने वाली है। वो अब तक 45 बार रक्तदान कर चुकी है एक नारी होकर के। तो आगे कभी आयोजन कराए तो मैं उनको आपके बीच बुलाऊंगा और नारी शक्ति को भी एक बहुत बड़ा मान और सम्मान मिलेगा सुनने को देखने के लिए। वो एक नारी शक्ति के लिए एक उदाहरण है कि हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमारे वक्ताओं की लिस्ट जो बहुत लंबी है, आज मैं सुनाने नहीं कुछ सुनने भी आया हूँ। हमारे बीच बहुत बुद्धिमान जीव हैं। तो इसी के साथ मेरा जय हिंद, जय भीम, जय भारत।